सृजन लोक आर्ट फाउंडेशन और चंद्रकांति रमावती आर महिला पीजी कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में सीआरडी महिला पीजी कॉलेज में शुक्रवार को 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश आर्ट फेस्टिवल का लोकार्पण हुआ। आर्ट फेस्टिवल में प्रयागराज, मुजफ्फरनगर, लखनऊ, आजमगढ़, बस्ती, महाराजगंज और गोरखपुर के कलाकारों की लोक कला, मिनिएचर आर्ट, ऑयल पेंटिंग, एक्रोलिक, वाटर कलर, वाश टेक्निक सहित विभिन्न विद्याओं पर आधारित कुल 110 पेंटिंग्स लगाई गईं। कलाकारों की बनाई गई पेंटिंग्स को दर्शकों की सराहना मिली। आर्ट फेस्टिवल सांस्कृतिक चेतना को जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। इस अवसर पर गोरखपुर विश्वविद्यालय राजनीति शास्त्र विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर निशा जायसवाल, चंद्रकांति रमावती महिला पीजी कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर अपर्णा मिश्रा, प्रबंधक डॉक्टर राकेश मिश्रा, सृजन लोक आर्ट फाउंडेशन के फाउंडर रामबलि प्रजापति सहित विद्यालय की शिक्षक शिक्षिका और कलाकार मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए डॉक्टर रेखा रानी शर्मा और डॉक्टर निशा जायसवाल ने कहा, आर्टिस्ट यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये गोरखपुर मंडल से संबंधित जितने भी आर्टिस्ट हैं यहाँ, चूँकि ये एक प्लेटफॉर्म है, क्योंकि कलाकारों को प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए अपने वर्क को प्रदर्शित करने के लिए, तो मेरा उद्देश्य है कि वो अपने वर्क को यहाँ प्रदर्शित कर अपनी प्रतिभा को दिखाएं और अपना एक प्लेटफॉर्म बनाएं, क्योंकि कलाकार हैं तो कलाकारों के प्लेटफॉर्म की ही ज़रूरत होती है। सर, ये इलाहाबाद, मुजफ्फरनगर, लखनऊ, बस्ती, गोरखपुर मंडल के आर्टिस्ट यहाँ सम्मिलित हुए हैं। कोशिश यही है कि हमारे सीआरडी पीजी कॉलेज के भी जो छात्र हैं वो भी इसमें प्रतिभागिता दिखाई है और उनकी भी प्रदर्शनी लगाई गई है। ये बहुत अच्छा प्रयास है सृजन लोक आर्ट फाउंडेशन और उत्तर प्रदेश आर्ट फेस्टिवल की ओर से, और 3 दिवसीय कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी खूबी हमें ये लगी कि इससे ना केवल इस अंचल के लोगों में एक कलात्मक चेतना, एक सांस्कृतिक चेतना का संचार होगा, बल्कि इस क्षेत्र के जो अनमोल, जो अनचिन्हे कलाकार हैं उनको भी एक पहचान मिलेगी और नई नई विधाएं देखने को मिलेगी और बच्चों को भी सीखने का एक नया एक्सपोजर मिलेगा, और इस तरह की गतिविधियां होती रहनी चाहिए। ये आगे के लिए हमारी सांस्कृतिक चेतना को जागृत करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा, और जो भी इसके संयोजक हैं, जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको तो हम इस अवसर पर बधाई देना चाहते हैं। नई नई शैलियाँ, नए नए विषय, नई नई तकनीकें हमें यहाँ देखने को मिले, और हम उम्मीद करते हैं कि जब इतना एक्सपोजर मिलेगा तो बच्चे या खुद आर्टिस्ट कुछ नया सीख के और भी आगे नया काम करेंगे।